अमरोहा में पानी प्रदूषित कर रहे कॉटन वेस्ट कारोबारियों पर चला एसडीएम का चाबुक, हुई बड़ी कार्यवाही। बता दें कि अमरोहा तहसील क्षेत्र के एसडीएम शशांक चौधरी ने चार्ज संभालते ही अमरोहा में एक बड़ी कार्रवाई को अमल में लाए हैं। उन्होंने अमरोहा के कॉटन वेस्ट कारोबारियों के द्वारा अवैध रूप से जमीन के अंदर बोरिंग कर कॉटन वेस्ट की केमिकल से धुलाई करके उसके केमिकल युक्त गंदे पानी को जमीन के निचले सतह में मौजूद अच्छे पानी में मिलाकर अमरोहा के पानी को दूषित करने के मामले में बड़ी कार्यवाही की गई है। उनका कहना है कि 2015 में प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा इनके द्वारा जमीन में डाले जा रहे केमिकल युक्त गंदे पानी पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए आज हमने 2015 में हुए आदेश का अनुपालन कराते हुए अमरापाटन वेस्ट कारोबारियों द्वारा जो कॉटन वेस्ट की धुलाई के लिए हौदिया तैयार की गई थी उनको छोड़ दिया गया है और आगे से ऐसा करने पर कारोबारियों को कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर उनके साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम भी मौजूद रही। देखिए, जो कॉटन वेस्ट का जो काम करते थे, ये ब्लीचिंग का काम करते थे। ब्लीचिंग ये करते थे जो तेजाब डाल करके, और उसको जो तेजाब में डालने के बाद और जो अनट्रीटेड तेजाब है उसको डायरेक्टली ग्राउंड पे छोड़ देते थे, जो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता था, जिससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा था और बहुत ज़्यादा ज़मीन का पानी ख़राब हो जाता था। इस पे कई साल पुराना बंदी आदेश भी है, प्रदूषण विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई, कई बार इनको तोड़ा भी गया लेकिन उन्होंने फिर से बना लिया। तो शिकायतें होती रहती हैं, इनकी शिकायतें आई मेरे सामने, तो हमने इसको जाकर विज़िट किया और जो है हमें मौके पर तेजाब भी मिला और तेजाब यूज़ करते हुए ये लोग ब्लीच कर रहे थे। तो इसके खिलाफ़ हमने सीधा इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनका ध्वस्तीकरण करा दिया, जो कि पहले से इनके बंदी आदेश के अनुरूप है। कानूनी कार्रवाई यही की जा रही है कि इन लोगों को आगे कभी नहीं बनाने दिया जाएगा, और इनके खिलाफ जो है हमने नोटिसेज भी जारी किए हैं, प्रदूषण विभाग से भी नोटिस जारी किए जाएंगे। इनके खिलाफ बंदी आदेश पहले से हैं, तो जो छुप छुप के कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इल्लीगल है, अवैध है। तो यही इसमें कार्रवाई की गई है फिलहाल।